बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं कहती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा आलू, जो कि बीफ का कीमा है। तो मैंने इसमें जो है 1.5 मीडियम साइज़ का प्याज डाला था, ठीक है, 1.5। इसमें मैंने 2 बड़े गिलास पानी के डाले हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। जब वेट चलने लगेगा, कुकर की जो का जो वेट है वो चलने लगेगा, तो हम इसको 20 मिनट्स काउंट कर लेंगे। उसके बाद अब ये गल चुका है, कि हमारे 20 मिनट्स इनफ होते हैं, ये गल जाता है। मेरे पास 1/2 kg था कीमा, तो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। लहसुन प्याज आप दोनों ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग अदरक तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका पानी जो है वो हम नहीं निकालेंगे, इसको इसी में ही खुश करेंगे। जब पानी रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस और ऑयल ऐड करेंगे। हाँ जी, तो कीमे का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और प्याज अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जो भी यूज़ करते हैं ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप ऑयल ऐड किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल वाला जो है वो सालन यूज़ करती हूँ। तो आप लोग अपने मुताबिक जो है, जो आप जिस तरह से आप लोग खाते हैं उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर के इसको भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ना रहे और ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको भुनने के बाद हम इसमें, ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है, हम इसमें सिंपल स्पाइसेस ऐड करेंगे। कोई हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें, सॉरी 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और 2 टीस्पून मैं इसमें जो है वो रेड चिली ऐड करूँगी। अगर आपके पास रेड चिली जो है वो ज़्यादा तेज़ वाली है, तीखी है, तो आप जो है 1.5 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। मैंने 2.5 टीस्पून ऐड किया। उसके बाद हम इसमें टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसको इन स्पाइसेस के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और ऑयल इसका जो है वो निकल आएगा, तो हम इसमें जो है वो पोटैटो ऐड करेंगे। पोटैटो ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। तो मसाले ऐड करके मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह से। अब हम इसमें पोटैटो ऐड करने लगे हैं। पोटैटो और ग्रीन चिली मैंने एक साथ ऐड किया है इसमें। इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमने पोटैटो डाले हैं वो भी गल जाएँ अच्छी तरह से और इसका जो है टेस्ट भी अच्छा आ जाए। तो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाकर साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थंब लाइक दीजिएगा, और जो रेसिपीज़ आप लोग देखते हैं प्लीज़ इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोस लोग देखते हैं वो पूरी देखा करें, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। हाँ जी, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आलू गल जाए। पोटैटो हमारे गल चुके हैं और कीमा भी हमारा तकरीबन रेडी है। तो लीजिए, हमारी रेसिपी रेडी है।